हेलो गाइस, कैंसर साइंस के जो अगला स्टेप है हम उसमें डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी को। तो जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ शब्द हैं जिसका मतलब कुछ होता है, तो कैसे इसके मतलब को हम समझेंगे। तो सबसे पहले है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है? ब्लू कलर होता है, इसका मतलब होता है स्किन ब्लू कलर में आ जाती है। उसके बाद सेल प्रोलीफरेशंस का मतलब होता है एलांगेशंस, एलांगेट हो जाती है सेल्स। उसके बाद मेटास्टेसिस का मतलब होता है सेल ट्रांसफॉर्मेशन, सेल ट्रांसफॉर्म कर जाती है। उसके बाद एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, सेल जो होती है प्रोग्राम करने लगती है डेथ के लिए। उसके बाद नेक्रोसिस का मतलब होता है ट्रॉमेटिक सेल डेथ, सेल की डेथ होती है ट्रॉमेटिकली। और नेक्स्ट है ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्कोजेनेसिस का मतलब होता है टू इंड्यूस कैंसर, इसकी वजह से कैंसर इंड्यूस होता है। उसके बाद है फिब्रोब्लास्ट है, या इसको कह सकते हैं फिब्रोब्लास्टोमा। इसका मतलब होता है कि दे जनरेट फाइबर ऑफ कोलेजन, इसमें कोलेजन बनने लगते हैं, कोलेजन के फाइबर बनने लगते हैं। उसके बाद है हिमाटोजेंसिस। हिमाटोजेंसिस का मतलब जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं। उसके बाद है इन्वेजन्स। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, सेल अटैक करती हैं, कैंसर सेल अटैक करती हैं या ट्यूमर सेल अटैक करती हैं। उसके बाद है ट्रांसडक्ट सेलुलर, या सेलुलर ट्रीज, और मतलब इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये दो टर्म है। ट्रांसडक्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, या ट्रांसडक्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो ये दो तरीके का होता है। एक अल्ट्रावायलेट की वजह से होता है, एक हीट शॉक की वजह से होता है। तो ये दो तरीके का होता है। तो गाइस, जो एडिनोमा कैंसर होता है ये हार्मोन सेक्रेटरी सेल में होने वाला कैंसर, इसलिए इसको एडिनोमा कहते हैं। जो कार्सिनोमा कैंसर है ये एपिथीलियल सेल में होता है, इसलिए इसको कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। जो फिब्रोब्लास्टोमा कैंसर है ये कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर, इसलिए इसको फिब्रोब्लास्टोमा कहते हैं। और एक फिब्रोपैपिलोमा कैंसर होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में, और ये सॉलिड ट्यूमर बनाता है, जिसको फिब्रोपैपिलोमा कैंसर कहते हैं। तो गाइस, इस तरीके से हमने कई तरीके की शब्दावलियाँ जो इस्तेमाल होती हैं ऑन्कोलॉजी में, हमने उसको उसका मतलब समझा है, इसको डिस्कस किया है शॉर्टली। तो हम अब अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।